मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी थाना पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने हाईवे से 3 लुटेरे नीतीश गौरव और आदेश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने 7 दिन पूर्व भोपा बाईपास पर दिन दहाड़े रोडवेज बस में लूट की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भोपा पुल के पास से तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस, 2 चाकू, लूटे गए 20,000 रुपए, पासबुक, पहचान पत्र, रसीद कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया। दिनांक 22 फरवरी को एक रोडवेज की बस रुड़की से हाथरस जा रही थी, जिसे जैसे मुजफ्फरनगर बाईपास पे पहुंची है, मुजफ्फरनगर बाईपास पे पहुंचती सवारी के रूप में बदमाश सवार थे। बाईपास पे पहुंचते के साथ ही इन्होंने कंडक्टर को आतंकित करके उसमें पैसे और उसके टिकट छीन लिए। आज कल करीब 8:30 बजे मंडी पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर सर्विलांस प्लस मैनुअल मुखबरी के आधार पर इन बदमाशों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिनसे लूटे गए 20,000 रुपये, इसका कंडक्टर का बैग, टिकट, तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं।